हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिताज किचन अगेन। आज नमिताज किचन में मैं आपके साथ बैंगन का भरता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी भरता बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत ही सिंपल हैं, जो कि इजीली आपके घर पे अवेलेबल होते हैं, और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के बैंगन ले लिए हैं। इस तरह के आप दो मीडियम साइज़ के बैंगन ले लीजिए, और ध्यान रखिए कि बैंगन के अंदर कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई छेद होगा, इसका मतलब वो बैंगन जो है वो कीड़ा लगा हुआ है। तो आप चेक करके बैंगन लीजिए कि उसके अंदर कोई भी होल नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आप बैंगन को हाथ में करके देख सकते हैं। अगर बैंगन आपको लाइट वेट लगता है, हल्का लगता है, तो इसका मतलब वो बैंगन जो है वो अच्छी क्वालिटी का है और उसमें बीज नहीं है। लेकिन अगर ये आपको हैवी लगता है, तो इसका मतलब वो बैंगन जो है वो बीज वाला है, तो उसका भरता अच्छा नहीं बनता है। तो ये मैंने लाइट वेट दो बैंगन ले लिए हैं। पर सबसे पहले हम बैंगन को भून लेंगे। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं और इसके ऊपर बैंगन भूनने वाला स्टैंड रख लेते हैं। ये बैंगन भूनने वाला स्टैंड मैंने रख दिया है और गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से बैंगन को रख देंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली गैस पर भी बैंगन को भून सकते हैं, लेकिन उससे आपकी गैस का बर्नर जो है वो ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि उस पर बैंगन के जो छिलके हैं, जो स्किन है, वो चिपक जाती है, जिससे आपकी गैस का बर्नर जो है वो ब्लॉक हो सकता है। तो आप इस तरह का बैंगन भूनने वाला स्टैंड ले लीजिए और उसके ऊपर बैंगन भूनेंगे तो आपकी जो गैस है वो ख़राब नहीं होगी। तो इसको हम 5 से 7 मिनट तक भून लेते हैं और इसको बीच बीच में इस तरह से घुमाते जाएंगे, ताकि ये बैंगन चारों तरफ से इक्वली अच्छे से भून जाए। ये देखिए, बैंगन हमारा भून गया है चारों साइड से। मैं इसे घुमाती रही हूँ और मुझे 7-8 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो ये बैंगन एक भून चुका है, तो अब हम दूसरा बैंगन भी इसी तरह से भून लेंगे। मैंने दोनों बैंगन को अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद मैंने इन्हें पानी में डाल दिया है। पानी में डालने से इसकी जो स्किन है वो ईजिली उतर जाती है, तो धीरे धीरे हम इसकी स्किन को उतार लेंगे इस तरह से। देखिए, बहुत आराम से इसकी स्किन उतर जाती है। तो मैंने ये बैंगन की स्किन को निकाल लिया है, लेकिन अभी हम इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, जो इसके ऊपर थोड़ी सी स्किन रह गई है चिपकी हुई सी, वो निकल जाएगी। तो अच्छे से इसको पानी से वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसके ऊपर कोई भी ब्लैक स्किन नहीं है। तो अब हम इसकी पीछे की डंडी को निकाल देंगे। आप चाहें तो डंडी रख सकते हैं। कई लोगों को ये पीछे की डंडी खाना पसंद होता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको रख सकते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं इसको काट रही हूँ। इस तरह से ये पीछे की डंडी हमने काट दी है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसको पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। अब ये भरता बनाने के लिए हमारा बैंगन रेडी हो गया है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, बारीक कटे हुए। 1 छोटे साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है, बारीक कटा हुआ। अगर टमाटर बड़ा है तो आप आधा ले लीजिए, क्योंकि भरते में ज़्यादा टमाटर से टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। 1 मुट्ठी के करीब मैंने मटर ले लिए हैं। ये फ्रोज़न मटर हैं, इसलिए ये ऑलरेडी थोड़े से सॉफ्ट हैं। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो उसको 2-3 मिनट तक आप बॉईल कर लीजिए। 1 इंच अदरक लिया है मैंने, फाइनली चॉप किया हुआ। 4 से 5 लहसुन की कलियां मैंने ली हैं, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और 3-4 हरी मिर्च मैंने ली हैं, इसको मैंने लंबा कट करके रख लिया है। थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया है, फाइनली चॉप किया हुआ। मसालों में मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है थोड़ा सा, रेड चिली पाउडर आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये किचन किंग मसाला है, इससे भरते का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसको आप किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं या इसकी जगह चिकन मसाला या मीट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए भरता बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने कढ़ाई रख ली है सबसे पहले गैस पर। अब कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल डाला है इसमें, क्योंकि भरते के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ही लगता है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, सबसे पहले हम इसमें लहसुन डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ अदरक। इसको आप 30 सेकेंड तक इसी तरह से चलाते रहिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे और उसको 30 सेकेंड तक चलाने के बाद उसमें हम प्याज डाल देंगे। तो जब मैं ये प्रोसीजर कर रही थी तो मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। अब हम प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ना ही इसको हमने ब्राउन करना है, क्योंकि भरते में थोड़ा सा कच्चा प्याज ही अच्छा लगता है। तो इसको हम थोड़ा सा बस सॉफ्ट करेंगे, जिससे इसकी रॉ स्मेल चली जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। हम इसमें 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर डाल देंगे। मुझे भरते में ज़्यादा हल्दी पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही हल्दी डाल रही हूँ इसमें। 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर और 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर। 1/4 teaspoon हम इसमें किचन किंग मसाला डाल रहे हैं। आप चाहे तो चिकन मसाला या फिर मीट मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर इसके बिना भी आप बना सकते हैं। अब सारे मसालों को अच्छे से चलाते हुए हम इसको 1 मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे, जिससे मसालों का बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ जाएगा। तो इसको आप कॉन्टीन्यूसली चलाते रहिएगा, नहीं तो मसाले जो हैं वो नीचे लग सकते हैं। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अब तो मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं और इनका कलर भी बढ़िया आ चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर के साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर थोड़े जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, और साथ ही इसमें लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए हम 1 मिनट तक इसी तरह से पकाते रहेंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 चम्मच इसमें हम पानी डाल देते हैं, जिससे मसाला हमारा जले नहीं और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको इस तरह से करछी से प्रेस करते हुए आप टमाटर को अच्छे से मैश कर लीजिए, क्योंकि खड़े खड़े टमाटर जो हैं वो भरते में अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से इसको आप करछी से मैश कर लीजिए और इसको ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे से भून लीजिए। तो अब टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें मटर डाल देते हैं। ये मटर क्योंकि पहले से ही थोड़े से सॉफ्ट हैं, क्योंकि मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो इसको बॉईल करके डालिए। अगर आपने मटर बॉईल नहीं किए हैं तो जब आपने प्याज डाले थे भूनने के लिए, उसी समय प्याज के साथ ही आप मटर डाल दीजिए, तो ये अच्छे से गल जाए। इस तरह से फ्रेश मटर बाद में डालेंगे तो वो गलेंगे नहीं, क्योंकि टमाटर डालने के बाद मटर आसानी से गल नहीं पाते। तो इसको हम 1 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद हम इसमें अपना बैंगन डाल देंगे। तो अब ये मटर भी हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें अपना मैश किया हुआ बैंगन डाल देते हैं। और इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। बैंगन को हमने मसाले के साथ में मीडियम फ्लेम पर इसी तरह 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब ये बैंगन को हमने 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और ये बहुत अच्छे से भून चुका है। तो अब हम गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको कवर लगा देंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक कर लेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे कुक करते हुए। बैंगन का भरता बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। ये देखिए काफी अच्छे से भून चुका है ये। अब हम इसमें कटी हुई धनिया डाल देते हैं और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और गैस को मैं अब ऑफ कर रही हूँ। तो ये टेस्टी और डिलीशियस बैंगन का भरता बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता बना है ये, और आप इसे पराठों के साथ या रोटी के साथ सर्व करिए तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो आप इस तरह से बैंगन का भरता बनाइए, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मैं फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।